हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियांश गौतम। यार कैसे आप सब? आई होप आप सब बड़े होंगे, मज़े कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत रिक्वेस्ट आई थी बहुत सारे बच्चों की कि भैया मार्क्स और परसेंटाइल और रैंक के बीच में एक वीडियो बना दीजिए जिसमें आप हमको क्लियरली बता दीजिए कि कितने परसेंटाइल पर कितना स्कोर रहता है और उससे कितनी रैंक बनने वाली है, और मिनिमम परसेंटाइल भी बता दीजिए अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो हर कैटेगरी का यहाँ पर मिनिमम परसेंटाइल आपको बता दूँ, कट ऑफ बता दूँगा जिसमें आप ये एडवांस के लिए अपेयर हो सको। और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि मतलब एग्जैक्टली कितने परसेंट, मतलब आपके कितने स्कोर में कितना परसेंटाइल बनेगा, ठीक है? तो जितने भी शिफ्ट में पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका था, आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कितने परसेंटाइल कितने स्कोर पे बनेगा, ठीक है? तो ये इस डेटा को तैयार करने मुझे एक हफ्ता लगा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है। बहुत मैं डेटा को मतलब एनालिसिस करके बनाया हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, उसके बाद फिर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। एग्जैक्ट है, मतलब एक्सपेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं मैच करेगा क्योंकि मैं पास्ट जो भी कट ऑफ्स हैं, ठीक है, 2-3 साल की, उसको मैं ध्यान में रख करके फिर ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं, एक एक करके आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको 99.9 से लेकर 95 परसेंटाइल तक बताऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 94 से लेकर 90 तक। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और पूरी एंड तक देखना, और साथ में अगर आप प्रियांश गौतम परिवार में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? चैनल नहीं, परिवार है हमारा आपके बीच का, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए आए हो तो, ठीक है? शुरुआत कर देंगे करके। तो यार देखो, 99.9 परसेंटाइल अगर आता है तो देखो, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं यार कि कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है। कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट पे, कि कितने कैंडिडेट अपियर हुए एग्जाम में। अगर कैंडिडेट ज़्यादा अपियर हो जाते हैं तो कट ऑफ नीचे चली आती है, और अगर मतलब कैंडिडेट कम हो जाते हैं तो कट ऑफ फिर हाई चली आती है, ठीक है? इस फैक्ट को समझ लो अच्छे से। और पेपर का डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है कट ऑफ, कि पेपर ईजी आया या मॉडरेट आया या ईजी टू मॉडरेट आया या हार्ड आया। चार कैटेगरी होती है पेपर की, जेईई मेंस की आपको शायद पता नहीं है तो मैं बता दूँ। एक होता है ईजी, है ना, और एक होता है इजी टू मॉडरेट, और एक होता है मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट में ज़्यादातर पेपर पूछे गए हैं, अभी थर्ड अटैम्प्ट की बात करिए, और हार्ड, ठीक है? हार्ड में एक बार पेपर पूछा गया था, और इजी में भी एक पेपर एक शिफ्ट में आया था, ठीक है? ज़्यादातर इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट पेपर इस बार जेईई मेंस में आए हुए थे। ग्रेट, तो हम बात करते हैं 99 परसेंटाइल में कितना मार्क्स आपको लगेगा। इजी शिफ्ट की बात करें, अगर पेपर इजी शिफ्ट था, अब देखो जिस भी शिफ्ट में पेपर, किसी में मॉडरेट था, इसका मॉडरेट टू इजी जिसका भी था, तो उसके वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आई होप आप सबने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो ऑल शिफ्ट का एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख लेना बस। तो इजी की बात करें तो 286 मार्क्स आपको लगेंगे 99.9 परसेंटाइल में, इजी शिफ्ट में 286, और अगर इजी टू मॉडरेट की बात करें तो 277। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि पेपर अगर बहुत टफ आ जाता है तो आपको कम स्कोर में ज़्यादा परसेंटाइल मिलती है, और अगर पेपर बहुत इजी आ जाता है तो आप चाहे उसमें जितने ज़्यादा मार्क्स लें तो परसेंटाइल आपको उसमें कम मिलती है। इस फैक्ट को समझ लो, ग्रेट, ठीक है? तो इसके बाद इजी टू मॉडरेट में 277 मार्क्स में आपको 99.9 परसेंटाइल मिल जाएगा, ग्रेट। मॉडरेट की बात करें, अगर पेपर मॉडरेट आता है अपने शिफ्ट के हिसाब से आप देख लेना, 268 मार्क्स अगर आपके आते हैं मॉडरेट में तो 99.9 परसेंटाइल बनेगा, ग्रेट। उसके अलावा हार्ड पेपर की बात करते हैं, अगर आपका हार्ड पेपर आया था कोई शिफ्ट का हार्ड पेपर, और उसमें आपके 247 मार्क्स आए थे, तो इसमें आपको 99.9 परसेंटाइल बनेगा, ठीक है? यार मैं आपको एक फिगर बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपको फील आ जाएगी कि एक्जैक्टली आपका स्कोर किसके आसपास होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ पॉइंट को मैं हटा रहा हूँ। अगर आपका स्कोर पॉइंट में आ रहा है 98.3 परसेंटाइल, 98.8 परसेंटाइल, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, तो मैं आपको रैंक बता दूंगा, आपका स्कोर के हिसाब से परसेंटाइल बताने की आपको कोशिश करूंगा, ग्रेट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मैं आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक आइडिया हो, ठीक है? 99 परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो अगर पेपर इजी आता है तो 240 मार्क्स, और अगर पेपर इजी टू मॉडरेट में पूछा गया था आपका तो 205 मार्क्स, ठीक है? समझ में आ रही फील? और उसके अलावा मॉडरेट पेपर की बात करें 99 परसेंटाइल के लिए 199 मार्क्स, और अगर पेपर हार्ड आया था और 99 परसेंटाइल के लिए कितने 188 मार्क्स चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आपको रैंक भी बता देता हूँ, अगर 99.9 परसेंटाइल आता है तो इसमें रैंक आपकी बनेगी अंडर 1000, यानी कि 1000 से कम चली आएगी, यानी कि 874 आपकी रैंक कुछ आएगी। अब इसमें भी जाता है, ठीक है? 9 के आगे भी बहुत सारे डिजिट है, मैं आप सीधे यहाँ पे एक ही डिजिट को ले लिया हूँ, ठीक है? और अब हम बात करते हैं ऐसे 99 परसेंटाइल में, तो इसमें आपकी रैंक बन जाएगी 8740 समथिंग कोई आपकी रैंक बनेगी, ठीक है? इसमें क्या होता है, आपको कोई भी टॉप कॉलेज, कोई भी IIIT, कोई भी NIT, आपकी ब्रांच CS, कोई भी ब्रांच में आपको मिल जाएगा, ठीक है? जनरल के अगर आप हो तो, ठीक है? अब हम बात करते हैं 98 परसेंटाइल के लिए। 98 परसेंटाइल के लिए इजी पेपर अगर आता है तो 223 मार्क्स चाहिए। 98 परसेंटाइल के लिए अगर इजी टू मॉडरेट पेपर आता है तो 184 मार्क्स चाहिए। 98 परसेंटाइल के लिए अगर मॉडरेट पेपर पूछा गया था तो 173 मार्क्स चाहिए। 98 परसेंटाइल के लिए अगर हार्ड पेपर पूछा गया था, पेपर हार्ड आया था, तो 150 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है? समझ में आ गई ये बात, ठीक है? मैं आपको स्क्रीनशॉट खींचने का टाइम दे दूंगा, फिलहाल अभी आप ध्यान से समझो। और रैंक की हम बात करें तो 17,419 ये ऐसे आपके कुछ रैंक बनेगी, यानी कि 17,500 आपकी रैंक आएगी, ठीक है? कितने पे? 98 परसेंटाइल पे, ठीक है? उसके अलावा हम बात करते हैं
कि 97 परसेंटाइल अगर इजी शिफ्ट की बात करें तो 205 मार्क्स चाहिए, इजी टू मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो 165 मार्क्स चाहिए, 165, अगर मॉडरेट की बात करें तो 156 मार्क्स चाहिए, और अगर हार्ड की बात करें कितने में 97 में, अगर हार्ड की बात करें तो कितने चाहिए, 143 मार्क्स चाहिए। ग्रेट, उसके अलावा हम बात करें तो रैंक कितनी आएगी इसमें, 26,000 रैंक कुछ बनेगी, एग्जैक्ट 26,000 रैंक आएगी 97 परसेंटाइल पर। ठीक है, ये एक ऐसी परसेंटाइल होती है जिसमें आपको कोई भी टॉप कॉलेज मिल सकता है, ट्रिपल आई टीज, एनआईटीज। ग्रेट, अब उसके अलावा 96 परसेंटाइल की बात करें तो 192 मार्क्स चाहिए इजी के लिए, 153 मार्क्स इजी टू मॉडरेट के लिए, और 145 मार्क्स मॉडरेट के लिए, और 133 मार्क्स हार्ड के लिए, कितने में, 96 परसेंटाइल में। ठीक है, तो 96 परसेंटाइल में आपकी जो रैंक बनेगी 35,000 कुछ रैंक आएगी, यानी कि 34,900 या 35,000 आप मान सकते हो। ग्रेट, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। 95 परसेंटाइल के लिए अगर इजी की बात करें तो 181 मार्क्स, ठीक है, इजी शिफ्ट में 180 मार्क्स चाहिए, 181 मार्क्स चाहिए, और इजी टू मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो 95 परसेंटाइल के लिए 144 मार्क्स चाहिए, और मॉडरेट की बात करें तो 95 परसेंटाइल के लिए 134 मार्क्स चाहिए, और हार्ड पेपर की बात करें तो आपको 124 मार्क्स चाहिए, कितने, 95 परसेंटाइल के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 94 से 90%, यार मैं आपको बता देता हूँ 94 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल के बीच में आपको कितने मार्क्स लाने पड़ सकते हैं कोई भी शिफ्ट की अगर हम बात करें। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट पॉइंट को मिस कर रहा हूँ, अगर आपका परसेंटाइल पॉइंट में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको रैंक बता दूंगा, या आप अपना स्कोर बता सकते हो तो फिर मैं आपका परसेंटाइल बता दूंगा, ठीक है, और रैंक भी बता दूंगा साथ में। और यहाँ इस वीडियो में आपको मैं खाली मार्क्स, परसेंटाइल और रैंक बताऊंगा, और अगर आपको कॉलेज के बारे में जानना है कि कौन से कॉलेज कम से कम रैंक में मिल सकते हैं तो आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना तो मैं उसके रिगार्डिंग जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। इसलिए कह रहा हूँ, अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रियांश वर्धन परिवार को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं 94 परसेंटाइल में, तो ईजी की बात करें तो 172 मार्क्स आपको लग जाएंगे 94 परसेंटाइल के लिए, और इजी टू मॉडरेट अगर पेपर की बात करें तो 134 मार्क्स आपको चाहिए पड़ेंगे 94 के लिए, और मॉडरेट पेपर की बात करें तो 126 मार्क्स, और हार्ड पेपर की बात करें तो 112 मार्क्स, 112। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 94 परसेंटाइल के लिए। ठीक है, तो आप अपने शिफ्ट को देख लो, शिफ्ट के हिसाब से अपने स्कोर और परसेंटाइल को मिला लो। ठीक है, और रैंक की बात करिए तो रैंक आपके आगे 52,760, यानी कि 50,000 पार हो जाएगी आपकी रैंक। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं 93 परसेंटाइल के लिए, 93 परसेंटाइल में बेसिकली आपका इजी के लिए 162 इजी अगर रहेगा तो 93 परसेंटाइल आएंगे, 126 अगर आपके मार्क्स आए थे इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में तो 93 परसेंटाइल आएगा, और 118 की बात करें तो 118 मार्क्स अगर आपके मॉडरेट शिफ्ट में आए थे तो 93 परसेंटाइल आपके बनेंगे, और 107 आपके हार्ड शिफ्ट में आए थे तो डेफिनेटली आपके 93 परसेंटाइल बनेंगे। अब इसमें रैंक की बात करिए तो 61,200 आपकी रैंक कुछ आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और 92 परसेंटाइल की हम बात करते हैं, इजी शिफ्ट में 154 मार्क्स, और इजी टू मॉडरेट में 119 मार्क्स, तो 119 में कितने आपके आ जाएंगे, 92 परसेंटाइल आएंगे। ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं तो अगर 113 मार्क्स 113 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो 92 परसेंटाइल आपके बनेंगे, और अगर हार्ड पेपर की बात करें तो 100 मार्क्स में आपके 92 परसेंटाइल बन जाएंगे, और अगर रैंक की बात करें तो 70,000 एग्जैक्ट कुछ, या इसकी थोड़ी सी 100 कम कर दूँ तो इससे कुछ 70,000 कुछ रैंक इसकी आएगी, कितने में, 92 परसेंटाइल में। ग्रेट, 91 परसेंटाइल की बात करी जाए तो यार इजी में 147 मार्क्स आपको चाहिए पड़ेंगे, 147 अगर आपके इजी शिफ्ट में आते हैं तो 91 परसेंटाइल, 113 अगर इजी टू मॉडरेट में आपके आते हैं तो आपके 91 परसेंटाइल बनेंगे, 106 आपके मॉडरेट में आते हैं तो 91 परसेंटाइल बनेंगे, 95 अगर आपके हार्ड शिफ्ट में आते हैं तो 91 परसेंटाइल बनेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको फील आ रही होगी, कहने का मतलब ये है कि अगर पेपर इजी आता है तो आप ज़्यादा स्कोर करोगे तो भी उससे क्या होता है, परसेंटाइल मतलब थोड़ा नीचे जाता है, और क्या होता है जब मॉडरेट या डिफिकल्ट पेपर आता है तो उसमें आप कम से कम स्कोर में भी आपको परसेंटाइल ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, कट ऑफ नीचे चला जाता है। ग्रेट, अब 90 परसेंटाइल की हम बात कर रहे हैं तो 90 परसेंटाइल के लिए 140 मार्क्स आपको चाहिए पड़ेंगे इजी शिफ्ट में। ठीक है, 108 की मार्क्स बात करें तो 108 मार्क्स आपको इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में लाने पड़ेंगे 90 परसेंटाइल के लिए, 102 मार्क्स आपके मॉडरेट शिफ्ट में आते हैं तो 90 परसेंटाइल आपके आएंगे, और 89 अगर आपके हार्ड शिफ्ट में बनते हैं तो आपके 90 परसेंटाइल आएंगे। तो ये मैंने आपको टोटल बता दिया फिगर कि इतने परसेंटाइल इतने मार्क्स में आपके आ सकते हैं बेस्ड अपॉन की जो भी आपकी शिफ्ट रही है। अब इसके अलावा आपका जो भी स्कोर है, इसके बीच में मान लो आपका स्कोर आया नहीं है
तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं आपको परसेंटाइल बता दूंगा और साथ में रैंक भी बता दूंगा। और इसकी रैंक की बात करिए तो 87,446 रैंक है, ठीक है। ये रैंक मतलब इसकी मतलब सबसे एंडिंग है, ठीक है। 90% में इतनी आपकी रैंक कुछ बनेगी। अब बता देता हूँ मिनिमम कट ऑफ कितनी लगेगी, ठीक है। जनरल की बात करिए तो 91 से 91.5% मान के चलो, यानी कि यहाँ इसकी बात कर रहे थे, यानी कि रैंक आपकी कितनी कुछ होनी चाहिए, 70,000 के आसपास रैंक आनी चाहिए। 70,000-78,000 तो बहुत हो गई, 70,000 अगर आपकी रैंक आती है तो आपको NIT मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं EWS OBC की। EWS OBC का कितना रहेगा 70%, जनरल का 91 to 91.5%, ठीक है। रैंक मैंने आपको बता दिया। और EWS OBC की बात करें तो 77%, और इस ST है ना, OBC का और EWS का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, 77%। और SC की बात करें तो 53.5%, और ST की बात करें तो 43%, ठीक है। और PWD की बात करें तो 1% पे ही उनका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो ये मिनिमम कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, और साथ में आपको रैंक, मार्क्स और परसेंटाइल मैंने आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर दी। तो अगर आपको कॉलेज जाना है कि कौन से मतलब कम रैंक में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं आपको, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके रिगार्डिंग जल्दी वीडियो ला दूंगा। तो अगर आपको इस टाइप का रेगुलर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को प्रियांश गौतम परिवार में आपका स्वागत है एक बार फिर, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। कोई भी आप डाउट मेरे से पूछ सकते हो। प्रियांश गौतम परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। बाय।